अभी मैं आपको कुछ पढ़ाने वाली हूँ, पर इससे पहले मैं मेरी पहचान देती हूँ, ठीक है? तो मेरा नाम है कर्णिका मैडम और मैं आपको हिंदी सिखाने वाली हूँ। हिंदी सीखते समय हिंदी बहुत ही आसान है और मीठी शक्कर जैसी भाषा है, बहुत ही मीठा सी भाषा है, मीठी को बोली है हमारी हिंदी। और आप अभी पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में आए हो तो आप अभी धीरे 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 बड़े हो रहे हो, तो हमारी पढ़ाई भी कुछ इसी प्रकार थोड़ी 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 बढ़ने वाली है। लेकिन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि मैं आपको अच्छे से हिंदी सिखाऊंगी, ठीक है? तो बच्चों, आज की तारीख है 11 जून 2020। कौन सी तारीख है आज? 11 जून 2020 हमारा सब्जेक्ट है हिंदी और आप सब अभी सेकेंड स्टैंडर्ड में गए हो, ठीक है? तो आपके पास हिंदी की बुक होगी, मम्मी ने आपके लिए बहुत सारे बुक्स लाए होंगे स्कूल से, हाँ, तो उसमें से और एक बुक भी आपके पास होगी जो हिंदी की होगी, ठीक है? तो ये हिंदी की टेक्स्ट बुक आपके पास है, तो इसके ऊपर नाम है रोबी हिंदी पाठमाला और यहाँ पे नंबर है 1, यानी कि एक इसी बुक में हमें पढ़ाई करनी है। क्या करनी है? पढ़ाई करनी है। तो बच्चों, यहाँ पे हम पेज नंबर जब ऐसे पलटेंगे, एक पेज टर्न करेंगे, तो हमें यहाँ पे कुछ झलकी दिखाई देगी, यहाँ पे कुछ पिक्चर दिखाई देगी, तो इस पे लिखा है छलकी। तो छलकी का क्या मतलब है? तो छलकी में कुछ चित्र दिए हुए हैं और ये चित्र हमें कुछ बताते हैं। क्या बताते हैं? जिस तरह से आपको यदि चॉकलेट चाहिए तो आप मम्मी मम्मी से कैसे कहते हो, मुझे चॉकलेट चाहिए, ऐसे कहते हो? ऐसे नहीं कहते सीधे, तो कैसे बोलते हो? मम्मी मुझे चॉकलेट चाहिए ना, मुंह बनाते हैं। तो उसी प्रकार ये छलकी है, यहाँ पे भी कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं, यहाँ पे भी कुछ लोग दिए हुए हैं, बच्चे हैं, जानवर हैं, बलून्स हैं, बहुत सारे रंग हैं, कलरफुल है सब। तो यहाँ पे भी इन बच्चों ने कितनी धूम मजा मस्ती की है, देखो। तो ये छलकी है, इस छलकी में मेरे साथ काम कीजिए, 1 2 3 4 और 5, कितने पिक्चर दिए हुए हैं? 5 पिक्चर। और इस 5 पिक्चर में हमें कई प्रकार दिख रहे हैं। तो पहले पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक हाथी है, एक भालू है, जो भालू ढोल बजा रहा है डम 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 करके, हाँ, और वहां पे एक कबूतर है और एक चूहा है। तो वो जो एनिमल्स है यानी कि जानवर है वो आपस में बातें कर रहे हैं, ठीक है? उसके बाद दूसरा पिक्चर जो है वो है बहुत सारे बच्चे जो है वो रंग खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं? रंग, एक दूसरे के मुंह पे रंग लगा रहे हैं, कोई पिचकारी से रंग दूसरे के ऊपर उड़ा रहा है, ठीक है? और यहाँ पे कौन से कलर है? पीला है, नीला है, लाल है, हरा है, बहुत सारे रंग है, ठीक है? उसके बाद तीसरे पिक्चर में हम देखते हैं तो हमें मेले का चित्र दिखता है, मेला यानी कि जत्रा, हाँ। तो हमारे गांव में भी कभी कभार साल में एक बार या दो बार जत्रा होती है, हाँ, तो हम मेले में जाते हैं, जत्रा में जाते हैं और बहुत सारी धूम करते हैं वहां पे, हाँ। तो इसी प्रकार यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है इस चित्र में? एक हाथी है, दो बच्चे ऊन की पीठ पर बैठे हुए हैं और एक जो बच्चा है उसके हाथ में बलून्स है। तो आपको भी बलून्स बहुत प्यारे लगते रहेंगे, बहुत अच्छे लगते रहेंगे, हाँ। और तीस चौथे चित्र में यहाँ पे कुछ सब्जी वाला और फ्रूट्स बेचने वाले आपको दिखाई देगा। उसके बाद नंबर आता है 5वें पिक्चर का, तो इस 5वें पिक्चर में भी ये जो एनिमल
है वो एनिमल्स पतंग यानी कि काइट ये दिखा रहे हैं। जब संक्रांत होती है तब हम उस त्योहार पे क्या करते हैं, पतंग उड़ाते हैं। कहाँ पे उड़ाते हैं, आकाश में हम पतंग उड़ाते हैं और बहुत सारी मिठाइयाँ खाते हैं। तो इस प्रकार इस झलकी में हमने ये सब पिक्चर्स देखे, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे ये एक छोटा सा चोकर दिखाई देगा, इस कोने में आपको एक पौधा नजर आएगा, इस कोने में आपको यहाँ पे क्या दिखाई देगा, दो बच्चे एक दूसरे के गले लग रहे हैं, वो आप एक दूसरे को ईद मुबारक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ईद की शुभकामनाएं दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, पेज टर्न करेंगे। वेरी गुड, तो ये पिक्चर आपको मालूम है, हाँ ये पिक्चर आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि ऊपर क्या लिखा है, हैप्पी बर्थडे। बताओ मुझे, आप लोग हैप्पी बर्थडे होता है तो आप क्या क्या करते हो, हाँ हाँ। तो बर्थडे के समय हम गुब्बारे लगाते हैं और क्या करते हैं, मम्मी हमारे लिए खुद के लिए बहुत बड़ा केक बनाती है, यदि नहीं बनाती तो मार्केट से ले आते हैं पापा और मम्मी, हाँ। और यहाँ पे कुछ पार्टी करते हैं, तो यहाँ पे आपको ये बर्थडे पार्टी का पिक्चर दिखाई देगा। आप मुझे स्कूल में आने के बाद आपका बर्थडे किस प्रकार करते हैं घर पे ये बताओ, ठीक है। तो ये बर्थडे हो गया, उसके बाद आप पेज टर्न कीजिए तो वहाँ पे आपको दिखाई देगा कि एक नानी बैठी हुई है, दादी माँ यहाँ पे बैठी हुई है। जो बूढ़ी औरत होती है वो तो हमारी दादी होती है या नानी होती है, तो यहाँ पे वो बैठी हुई है। और यहाँ पे क्या लिखा है, गेट कहाँ गई, यानी कि जो गेट है वो गेट है ऊन की, ऊन, हाँ। तो ये ऊन की गेट कहाँ गई, तो यहाँ पे चार पिक्चर्स दिए हुए हैं और इस नानी के साथ बैठा एक बिल्ला है, बिल्ला यानी कि कैट, और नानी कुछ कूद रही है, हाँ ये ऊन से ये स्वेटर बुन रही है, और ये स्वेटर बुनते बुनते क्या हो गया, नानी के हाथ से वो जो गेंद है, ऊन की गेंद है, वो फिसल गई। और वो फिसलने के बाद वो करती रहती है, बुनती रहती है, बुनती रहती है, बहुत बहुत टाइम बुनती रहती है, तो यहाँ पे उसका स्वेटर तैयार हो जाता है। लेकिन ये जो ऊन की गेंद है वो गायब हो जाती है, तो वो कहाँ जाती है गायब होके, हाँ यही बात तो आप सबको ढूंढनी है। तो आप जब स्कूल में आओगे तो ये कहानी मुझे बताओगे, ठीक है। तो बच्चों पहले हमने क्या देखा, झलकी देखी जिसमें बहुत सारे पिक्चर है, 5-6 पिक्चर है, और ये पिक्चर किसके है इसकी हमने पहचान की। उसके बाद हमने क्या किया, हमारा बहुत बड़ा दिन जो बर्थडे का होता है उसकी पार्टी इस तरह होती है, हाँ ये हमने देखा। उसके बाद गेट कहाँ गई ये हमने कहानी देख ली, लेकिन ये कहानी मैंने इतनी सी यानी छोटी सी बताई है, आपको बहुत बड़ी कहानी तैयार करनी है और स्कूल में आने के बाद मुझे बतानी है, ठीक है, ओके। तो मेरे बच्चे तो बहुत होशियार है, इतनी बातें तो अच्छे से कर सकते हैं। अब हमारी बारी आती है पढ़ाई करने की। अभी हमने कुछ ऐसे ही वार्तालाप किया, लेकिन ये वार्तालाप ऐसे खाली नहीं जाने वाला, क्योंकि इससे आपको अच्छे से कहानी सुनानी होगी, कहानी आप बता सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद हमारी बारी आती है लिखने की, हाँ। तो सिर्फ हम बातें नहीं करेंगे, कुछ लिखावट भी करेंगे। तो आपके पास एक नोटबुक होगी जो होगी 2 lines हो, जिसपे कितने lines होंगे, 2 lines होंगे, ठीक है। तो आज हम क्या करने वाले,
वर्णमाला का मतलब क्या होता है? वर्णमाला में स्वर होते हैं 11। कितने स्वर होते हैं? 11। उसके बाद अयोगवाह होते हैं 2। उसके बाद व्यंजन होते हैं 33 और अतिरिक्त व्यंजन होते हैं 2 और संयुक्त व्यंजन होते हैं 4। तो ये सब वर्णमाला में आता है। तो बच्चों आप पेज नंबर यदि 9 निकालोगे तो ये 9 पेज नंबर पे आपको दिखाई देगी वर्णमाला। तो ये वर्णमाला क्या है? देखो आओ वर्णमाला दोहराए, यानी कि इससे पहले ही हमने वर्णमाला पढ़ी हुई है, सिर्फ उसकी हमें रिवीजन करनी है, जो बहुत ही आसान है। और मेरे सब बच्चे बहुत होशियार है, वो अच्छे से वर्णमाला लिख सकते हैं। हाँ मुझे मालूम है। हाँ तो बच्चों यहाँ पे देखो, ये ब्लैकबोर्ड पे मैंने वर्णमाला लिखी है, ठीक है? तो यह वर्णमाला हमें अच्छे से पढ़नी है। ये क्या है बच्चों? वर्णमाला। क्या है? वर्णमाला। तो ये वर्णमाला आपको नोटबुक में लिखनी है। तो पहले देखो यहाँ पे ओ आ ई ई ऊ ऊ रू ए आई ओ औ अं आहा। यहाँ तक कि यह है स्वर, क्या बोल जाता है? स्वर। और अं आहा क्या है? अयोगवाह। वेरी गुड। उसके बाद आती है व्यंजनों की बारी, जो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मालूम है। मेरे साथ बोलो क ख ग घ य च छ ज झ य ट ठ ड ढ न त थ द ध न प प ब घ म य र ल व श श स ह। ये है ड, पर इसके नीचे नुक्ता आता है, और ये ढ इसके नीचे भी क्या आता है? नुक्ता आता है। नुक्ता यानी कि छोटा सा एक पॉइंट आता है, ठीक है? उसके बाद है क्ष त्र ज्ञ और श्र, जिसको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो इस प्रकार अ से लेकर, कहां से? अ से लेकर श्र तक हमारी क्या है? वर्णमाला है। तो इससे पहले हमने वर्णमाला की पढ़ाई की हुई है, वर्णमाला की पहचान हमें है। तो ये वर्णमाला एक बार आपको और फिर से रिपीट करनी है, दोहरानी है, ठीक है? तो ये पेज नंबर हो गया 9 का वर्ग। पेज नंबर ये क्या है? 9, ठीक है? इसके बाद आता है पेज नंबर 10, ठीक है? तो आपके हाथ में पेंसिल होगी, ठीक है? तो यहाँ पे लिख लीजिए एच डब्ल्यू। क्या लिखेंगे? एच डब्ल्यू। तो एच डब्ल्यू का मतलब है होमवर्क। वेरी गुड। तो बच्चों यहाँ पे कुछ वर्णमाला दी हुई है। हाँ तो यहाँ पे जो वर्णमाला दी हुई है उसमें बीच बीच में कुछ कुछ अक्षर लिखे नहीं है, वहाँ पे खाली स्थान दिए हुए हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स, हम अंग्रेजी में लिखते हैं ना फिलिंग द ब्लैंक्स, उसी प्रकार कुछ जगह पे ये जगह जो है वो खाली है, रिक्त है, ब्लैंक है। तो आपको क्या करना है? पेंसिल से ये वर्णमाला आपको पूरी करनी है, ठीक है? और ये वर्णमाला पूरी करने के बाद मैं आपको अच्छे से क्या देने वाली हूँ? बड़ा स्टार। क्या देने वाली हूँ? बड़ा स्टार। जो बच्चे अपने नोटबुक में अ से लेकर श्र तक, कहाँ से?
पंक्ति में भी लिखनी है जो दो लाइन में है, और आपको वर्णमाला यहाँ पे भी पेज नंबर 10 पे आपको अच्छे से पूरी करनी है। और इसके बाद हम इसके आगे की पढ़ाई बाद में देखेंगे। तो बच्चों, आज हमने क्या किया, वर्णमाला की पहचान की, वर्णमाला की इस प्रकार लिख सकते हैं, ये देखा। धन्यवाद।